हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है, जल्दी से आइए। हम लोग देखिए, अब हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं आपका केमिस्ट्री का फिजिक्स का हम लोग 5 जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब आपका ये जो हो रहा है केमिस्ट्री का, हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपका हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन करके रहेगा। और हम लोग का टारगेट है 5 मिनट के अंदर में करना है, मतलब फास्ट रिवीजन टाइप का। हंसते खेलते 50 क्वेश्चन आज हो जाना चाहिए। हम टारगेट लिए हैं फिजिक्स का 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन। मतलब हंसते खेलते के तौर पर जो है आपका ये होना चाहिए। चलिए, हमारे बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम एक एडुकेटर है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मनीष कुमार रॉय का नाम से आपको सर्च करके फॉलो कर लेना है। और ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को जो है आपको सेलेक्ट करना है, तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा। और हम आपका वहां पे क्लास लेते हैं, आपका साइंस, किसका लेते हैं, आपका साइंस का। उसके बाद आपका दूसरा जो है आपका साइंस एंड जीके एंड जीएस, साइंस जीके एंड जीएस। और डेली आपका अनअकैडमी पे क्लास होता है 11 बजे सुबह में, और रात में होता है आपका 10 बजे, रात में 10 बजे सुबह में 11 बजे। ठीक है, किसी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या कोड लगाना है, तो बस आपको कोड लगा देना है मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद जो है 10 जो है लगा देना है। बिल्कुल कहीं भी अगर फ्री भी है, सब कुछ है। और ये हमारा जो क्लास होता है बिल्कुल भी आपका अनअकैडमी पे दोनों क्लास आपका फ्री है, तो जरूर से जरूर जो है आइए 11 बजे और रात में 10 बजे आ जाइए यहाँ पे। जल्दी से देखिए इसको, देखिए अब जो आपका क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका एक नंबर ये क्वेश्चन है। और आपका ये किस पे है, तो आइडियल जितने भी आपके गैस के नियम है, जैसे नियत एकदम हम लोग फास्ट करेंगे, हम आपको पहले ही बता दिए 5 मिनट में 10 क्वेश्चन हम लोग करीब करीब करेंगे। नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपातित होती है, यह कौन सा नियम है? हेनरी का नियम, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम या फिर न्यूटन का नियम? इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, हेनरी का नियम है। हेनरी का जरा एक बार देख लीजिए। देखिए हम लोग तो लंबा क्लासेस 50 मिनट का, आधा घंटा का, एक घंटा का लेते हैं, लेकिन हम लोग का टारगेट है कि 5 से 7 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन कर लेना है। और आपको हंसते खेलते देखते देखते आपका 50 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सिंपली कहीं भी आप रफली देख सकते हैं। नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशील द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब में समानुपातित होती है, यह कौन सा नियम है? तो आपका हेनरी का आपका नियम है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन पे आइए, दो नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कौन सा रासायनिक नियम कहता है कि जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा की जो बोतलें को उच्च दाब में बंद किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता में वृद्धि हो? रोल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ओम का नियम, डाल्टन का नियम? तो इसका सही उत्तर, इसका भी सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी कि आपका क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा की बोतलों को उच्च दाबों में बंद किया जाता ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता आपका क्या हो, कि घुलनशीलता में वृद्धि हो, हेनरी का नियम। अगला क्वेश्चन पे आइए एकदम, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसमें प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया और तत्वों के समान परीक्षणों की खोज की जिससे तत्वों की क्या है आवधिक तालिका का विकास हुआ? इसका 3 नंबर का बताइए सही उत्तर क्या आएगा आपका? 3 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो आएगा आपका सही उत्तर, जोहान वोल्फगैंग डोबेनियर। मतलब डोबेनियर सभी को पहचानते हैं, डोबेनियर आपका पीरियोडिक टेबल का आपका ये क्वेश्चन है, डोबेनियर आपका जो है सही उत्तर आएगा आपका। ठीक है, कि यह तत्व किसका है आपका? प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया और तत्वों के समान परीक्षण की खोज की डोबेनियर के द्वारा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार आदर्श गैस का आयतन नियत दाब पर पूर्ण तापमानों के समानुपाती होती है? समानुपाती है जूल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाड्रो का नियम? 105 नंबर का क्या आएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो आपका आदर्श गैस का आयतन नियत दाब पर पूर्ण तापमान के समानुपाती होती है, चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पांचवा नंबर का बताइए। डैश कहता है कि वाष्पशील द्रव के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में मौजूद मोल भिन्न के समानुपाती होती है। रोल्ट का नियम, फैराडे का नियम, डाल्टन का नियम, उसके बाद बॉयल्स का नियम? 106 नंबर का आंसर क्या आएगा? 106 का बताइए जल्दी से आपका सही उत्तर क्या आएगा? 106 का आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर आएगा। रॉल्ट का नियम जो है कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में मौजूद मोल भिन्न के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। इसका बताइए जल्दी से, धातुएं अन्य धातुओं से टकराने पर बजने की ध्वनि उत्पन्न करती है क्योंकि वे डैश होती है। क्या होती है? लचीला, नमनीय, उसके बाद सोनोरस, चमकीला? क्या आएगा आपका? 107 नंबर का बताइए जल्दी से आंसर।
107 का आंसर क्या आएगा आपका? सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? धन्वनात्मक होता है आपका, सोनोरस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? 108 नंबर का बताइए जल्दी से। संभार, समलवन, समस्थानिक आयन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइसोबार कहा जाता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैविंग सेम मास नंबर, ठीक है, तो उसको आइसोबार। जो आप लोग देखे हैं आइसोबार, आइसोटोप्स, वहां से आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग का ये तो हो गया पांचवा नंबर, ये आपका आ गया छठा नंबर क्वेश्चन, और ये आपका आ गया कितना नंबर, तो सातवां नंबर क्वेश्चन। अब आइए जल्दी से आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर, सब आपका प्रीवियस ईयर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इज नॉट ए इंसुलेटर, इंसुलेटर नहीं है? इबोनाइट, ग्लास, उसके बाद ड्राई पेपर या फिर पारा। 109 नंबर का बताइए आपका सही उत्तर क्या आएगा? इबोनाइट तो आपका इंसुलेटर है, ग्लास भी इंसुलेटर है, ड्राई पेपर भी इंसुलेटर है, मरकरी आपका पारा इंसुलेटर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, पारा आपका इंसुलेटर नहीं है। क्लियर है सभी का? क्लियर है एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। आठवां नंबर क्वेश्चन के बाद आ जाइए अब नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में मदद नहीं करता कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? आपका ऊंचाई में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन तो आपका करता है, राज्य में परिवर्तन भी करता है, गैस में का निकलना भी करता है, लेकिन ऊंचाई में परिवर्तन का आपका नहीं करता, यही बताना है। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन हाइट, ऊंचाई में परिवर्तन जो है आपका अवलोकन यह निर्धारित करने में मदद नहीं करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आइए दसवां नंबर क्वेश्चन में, इनमें से किसमें सबसे कम गलनांक होता है? Which of the following has the lowest melting point? सबसे कम गलनांक होता है, आपका सही उत्तर क्या आएगा? Lowest melting point, 111 नंबर का आंसर बताइए, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? जिंक का नहीं होगा आपका, लीड भी नहीं होगा, सिल्वर भी नहीं होगा, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, टीन। टीन का जो होता है सबसे कम गलनांक आपका जो होता है, आपका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टीन का होता है। क्लियर है, 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए, 10 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 5 से 7 मिनट के अंतर्गत आपका हुआ है। यही टारगेट है अपना, 50 क्वेश्चन हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे, 50 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का करेंगे। इसको पढ़ना नहीं है, हंसते खेलते आपको 50 क्वेश्चन को आपका रिवीजन होगा। आज दिन भर में हम लिए हैं 50 फिजिक्स का, 50 केमिस्ट्री का, 50 बायोलॉजी का, रात तक पूरा आपका लगातार जो है आपका जो है 5-5 मिनट का आपका लगातार आधा घंटा 1 घंटा में वीडियो आएगा। सेकंड पार्ट इसका, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आपका इसका आधा घंटा 1 घंटा के अंतर्गत आपका 10 क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम लगातार मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।